नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। पिछले चार दिन में विंग कमांडर अभिनंदन के रूप में देश को एक नया नायक मिला है। या हवा में विमान उड़ाते हैं, दुश्मन के जहाज को मार गिराते हैं, शत्रु की धरती पर निडर होकर 60 घंटे बिताते हैं और विजेता की तरह सधी निर्भीक चाल से सीमा पार कर अपने देश के सुरक्षित जमीन पर कदम रखते हैं। भले ही हमारे देश को अनेकता में एकता वाले देश कहा गया हो, लेकिन ये दिखता नजर नहीं आ रहा है। वही आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर एनडीए पर शहादत को भुनाने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया है। लालू यादव ने कहा है कि जब एक तरफ शहीद का शव रखा हुआ था तो वही एनडीए की पटना में आयोजित रैली से ठीक पहले वाली शाम गर्मागर्म कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लालू ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, एक तरफ तिरंगे में लिपटे माँ भारतीय वीर शहीद पूतों के पार्थिव शरीर रखे हुए थे, दूसरी तरफ उनकी शहादत को भुनाने वाली राजनीति के लिए पटना में आयोजित रैली से पहले नीतीश और मोदी के मंत्री रंगारंग कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। ये काफ़ी शर्मनाक और चिंताजनक है। वही कार्यक्रम के दौरान वीडियो में एक लड़की रंगीन रोशनी के बीच डांस करती दिख रही है। पीछे नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान के पोस्टर नजर आते हैं। लालू का पोस्ट किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 12 घंटे के भीतर ही वीडियो को 1,00,000 बार देखा गया और 2,500 बार शेयर किया गया। इससे पहले भी लालू ने रविवार को एनडीए की रैली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, बिहार की महान न्यायप्रिय लोगों ने औकात दिखा दी। योजना फेल होने की बौखलाहट में आदमी कुछ भी झूठ बक सकता है और जुमले फेंक सकता है, लिहाजा चुनावी समर है। वही सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर तीर छोड़ना भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता किसे जीत का ताज पहनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप देख रहे थे NIN। शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।